सलमान खान को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। रोहित नाम की व्यक्ति ने लॉरेंस और गोल्डी बराक के नाम से धमकी भरा ईमेल भेजा है। सलमान की टीम को मिले ईमेल में लिखा कि अगर तेरे बॉस सलमान को मैटर क्लोज करना है तो बात कर ले, वरना अगली बार सीधे झटका मिलेगा। धमकी मिलने के बाद सलमान के मैनेजर ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। चलिए आपको बताते हैं सलमान के मैनेजर को मिले मेल में क्या लिखा है। तेरे बॉस सलमान से गोल्डी वराट को बात करना है। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू तो सलमान खान ने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उससे बोल देना कि इंटरव्यू जरूर देख ले। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा देना, फेस टू फेस बात करना है तो वो भी बता देना। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। दो दिन पहले ABP न्यूज को दिए इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस ने कहा था उसके मंसूबे सलमान के खिलाफ सही नहीं है। उसने कहा कि जिस दिन एक्टर की सिक्योरिटी हटी वो दिन सलमान के जीवन का अंतिम दिन होगा। लॉरेंस ने कहा कि सलमान खान का अहंकार रावण से भी ज़्यादा है, सिद्धू मूसेवाला भी इतना ही अहंकारी था। मेरा बचपन से बस एक ही गोल है और वो है सलमान खान को मारना। गैंगस्टर का कहना है कि जब मैं 4-5 साल का था तभी सलमान ने काले हिरण को मार दिया था। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण की पूजा करते हैं। सलमान ने अपने अपराध के लिए हमारे समाज से माफी तक नहीं मांगी है, उसके लिए मेरे मन में बचपन से ही गुस्सा है। लॉरेंस बिश्नोई ने आगे कहा कि सलमान ने हमारे समाज को बहुत नीचा दिखाया है, हम उसका अहंकार तोड़ेंगे। अगर उसको बचना है तो हमारे समाज के सामने आकर माफ़ी मांगे। इसके लिए उसे राजस्थान में बिश्नोई समाज के मंदिर जम्बेश्वर जी में आना होगा। अगर समाज के लोगों ने उसे माफ़ कर दिया तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है।